तीन को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसके क्रेडिट आवर्स 9 है, तो 9 3 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मेरे बन गए 27। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनस हाशिम एंड आई एम अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट डाउ। अगर तो आप डाउ के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप डाउ के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि डाउ में GPA किस तरीके से कैलकुलेट होती है। सो क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं और GPA किस तरीके से कैलकुलेट होती है, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि एंड में मैं एक सैम्पल मार्कशीट, जो कि मेरी अपनी मार्कशीट है, उसको भी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि उसमें किस तरीके से ट्रांसक्रिप्ट में GPA दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट आवर्स की। क्रेडिट आवर्स होते हैं वो हर मॉड्यूल के डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब उनको टोटल किया जाता है तो हर सेमेस्टर के या फिर हर एनुअल के जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो सेम होते हैं। क्या मतलब हुआ, अगर हम देखें कि एनुअल में एक साल में क्रेडिट आवर्स होते हैं टोटल 36, ठीक है। अगर आप एक सेमेस्टर की बात करें तो ज़ाहिर है 18 हाफ कर दिया आपने, लेकिन हर मॉड्यूल के जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और इसी वजह से कुछ मॉड्यूल्स के मार्क्स ज़्यादा आने की वजह से आपकी GPA पे ज़्यादा असर पड़ता है। अब वो किस तरह पड़ेगा, जाहिर है मैं वो आगे जाके सैंपल में समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिसके क्रेडिट आवर्स ज़्यादा होते हैं। तो उसकी आसान एग्जांपल ये है कि जिसके जितने ज़्यादा वीक्स होंगे, यानी कि अगर 8 वीक का मॉड्यूल है जो कि सबसे ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो उसके क्रेडिट आवर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। क्या मतलब, आपका जो मॉड्यूल होता है टोटल जो सेमेस्टर होता है वो होता है तकरीबन 16 वीक्स का, ठीक है, और उसमें अगर 8 वीक्स अगर हो गए तो 8 वीक्स का मतलब आधा जो आपका सेमेस्टर है वो एक मॉड्यूल लेकर जा रहा है। तो 8 वीक्स के जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनके क्रेडिट आवर्स होते हैं 9। जैसे कि एग्जांपल आपके पास GIT हो गया, ब्लड हो गया, लोकोमोटर हो गया, ठीक है, इस तरह के जो बड़े बड़े मॉड्यूल्स होते हैं 8 वीक्स के, उनके क्रेडिट आवर्स होते हैं 9, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ मॉड्यूल ऐसे भी होते हैं जो कि 7 वीक्स के होते हैं, और एक एग्जांपल है हमारे पास 7 वीक्स का जो मॉड्यूल, 7 वीक्स का जो मॉड्यूल होता है वो है न्यूरो, और उसमें जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो 7 होते हैं। यस, शॉकिंगली 7 क्रेडिट आवर्स होते हैं जो सेकंड ईयर की एनुअल की आपके पास ट्रांसक्रिप्ट बन के आती है उसमें लिखा हुआ होता है। थर्ड आपके पास है हेड एंड नेक मॉड्यूल, जो कि 5 वीक्स का होता है, और 5 वीक्स का है लेकिन उसके क्रेडिट आवर्स 6.5 होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो शॉकिंग, क्योंकि हेड एंड नेक के वीक्स कम है बनिस्बत उसके क्रेडिट आवर्स के, तो उसके क्रेडिट आवर्स 6.5 है, आपने याद रखना है। एंड लास्टली जितने भी 4 वीक्स वाले मॉड्यूल हैं उन सब के क्रेडिट आवर्स 4.5 होते हैं, कांस्टेंट है, जैसे कि आपके रीनल, रेस्पो, CNS, एंडो, रेस्पो, रिप्रो, ठीक है, ये सारे मॉड्यूल जो हैं वो 4 वीक्स के होते हैं, उनके क्रेडिट आवर्स होते हैं 4.5। तो अब अगर आप देखें कि हर सेमेस्टर में अगर मैं हर एक एक मॉड्यूल को उसको टोटल करूं, तो टोटल क्रेडिट आवर्स एक सेमेस्टर के 18 और पूरे एनुअल के 36 बनेंगे। लाइट से मैं बात करता हूं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में कौन कौन से होते हैं, फाउंडेशन 8 वीक्स, एंड देन आपके पास ब्लड 8 वीक्स, 8 और 8 वीक्स यानी 9 9 9 प्लस 9 आपके पास कितने हो गए, 18 हो गए। इसी तरीके से जब सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में आपके पास CVS, रेस्पो और लोको आपके पास 9 का हो गया, CVS और रेस्पो आपके पास 4.5 और 4.5 हो गया, यानी कि 9 प्लस 4.5 प्लस 4.5 अगेन आपके पास बन गए 18। तो ये दोनों जब आपको मिला लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपके पास कितने बनते, 36। इसी तरीके से सेकंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है, और बाकी के ईयर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। इसके अलावा अच्छा, 4 वीक्स में अगर थर्ड ईयर के कोई सब्जेक्ट देखे तो कोई मॉड्यूल देखे तो हमारे पास स्टार्टिंग वाले मॉड्यूल जो थे इन्फेक्शियस हो गया, और आपके पास था CVS था, रेस्पो था, ये सारे मॉड्यूल जो हैं वो 4.5 क्रेडिट आवर्स रखते हैं। यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई तो अब मैं बात करता हूँ थ्योरी और वाइवा के कितने परसेंट होते हैं और कितनी उसकी वैल्यू होती है। बात करते हैं एनुअल के और थ्योरी में और वाइवा में। क्या होता है, एनुअल में आप देते हैं थ्योरी एंड वाइवा हर मॉड्यूल का अलग अलग, ठीक है, यानी कि एक मॉड्यूल का आप थ्योरी भी देंगे, उसी मॉड्यूल का आप वाइवा भी देंगे। और वाइवा के स्टेशन डिफरेंट होते हैं, किसी में 3 वाइवा स्टेशन होते हैं, किसी में 4 होते हैं, और हर स्टेशन के 50 मार्क्स होते हैं, ये बात आपको पता है। सो लेट्स से कोई एक मैं मॉड्यूल उठा लेता हूँ, ठीक है, उसमें मेरे थ्योरी में मार्क्स आए हैं 70 आउट ऑफ 100, ठीक है, तो अगर परसेंटेज निकाले तो कितने परसेंट बना है, 70% बना, ठीक है। एक बात याद रखना ज़रूरी है कि जो थ्योरी के मार्क्स होते हैं वो टोटल GPA पे 2/3 होते हैं, और वाइवा के जो मार्क्स होते हैं वो 1/3 होते हैं, सही है, ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ जो बने हैं मेरे वो 70% बने क्योंकि मेरे 70 आउट ऑफ 100 आए हैं। मैं यहाँ मॉड्यूल के मार्क्स की बात नहीं कर रहा, जो कि आपके इंटरनल इवेल्यूएशन वाले मार्क्स से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि डाउ का कोई भरोसा नहीं, कभी वो ऐड करता है, कभी वो ऐड नहीं करता, सही है, तो उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे। हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ थ्योरी के मार्क्स की बात कर रहे हैं। थ्योरी में आए हैं फॉर एग्जांपल आपके 70 आउट ऑफ 100, यानी कि अगर परसेंटेज निकाली जाए तो 70% बनते हैं। जो 70% आप यहाँ पे बनेंगे उसको मैं बताता हूँ क्या करना है। अब वाइवा पे बात करते हैं।
वाइवा के फॉर एग्जांपल आपके चार स्टेशन थे और चारों के स्टेशन के मतलब टोटल मार्क्स हो गए 200, और 200 में से आपके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं आपके 160, ठीक है। 160 आउट ऑफ 200 को अगर हम कैलकुलेट करें, इसकी परसेंटेज निकालें, तो बनती है 80%। तो वाइवा में आपके बन गए 80% और थ्योरी में आपके बन गए 70%। तो क्या दोनों को ऐड कर दें? ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा, थ्योरी के जो मार्क्स हैं उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा और वाइवा के जो मार्क्स हैं उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, मार्क्स को नहीं परसेंटेज को, ठीक है। अब ये 70% जो है इसको जब मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू बनती है 46.66, और जब मैं 80% को 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू बनती है 26.66। अब फाइनली ये दोनों ऐड होने के काबिल हैं, तो अब मैं इस वैल्यू को भी ऐड कर दूंगा, इस वैल्यू को भी ऐड कर दूंगा, तो जो मेरे पास वैल्यू बनेगी वो मेरी जीपीए के लिए काउंट होगी, और वो वैल्यू है 73.32, ठीक है। अभी 73.32 में कितनी जीपीए बनेगी, तो उसके लिए डाउ ने एक ग्राफ दिया हुआ है, सही है। ये ग्राफ जो दिया हुआ है इसके मुताबिक आपके जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपकी ग्रेडिंग होगी। अगर मेरे 73 है और इसको मैं अगर 73 कर लेते हैं ओवरऑल, ठीक है 73 है, तो ये कहाँ पे फॉल होता है? ये फॉल होता है बीच में 70-74 के बीच में फॉल होता है। तो चाहे 71, 72, 73, 74 जितने भी मार्क्स होंगे, मेरी जीपीए जो बनेगी वो बनेगी 3.7। तो यहाँ जो मेरी जीपीए बन गई वो बन गई 3.7 और मेरा ग्रेड बन गया A-, 3.7, ठीक है। अब ये जो 3.7 है ये सिर्फ मेरे एक मॉड्यूल की है, हर मॉड्यूल में मेरी अलग अलग जीपीए बनेगी और फिर एट द एंड उसको कैलकुलेट करेंगे, मिलाएंगे। अब वो कैसे करते हैं, वो भी बहुत आसान मेथड है। मैंने आपको क्रेडिट आवर्स बताए थे ना, तो क्रेडिट आवर्स इसीलिए बताए थे क्योंकि जो आपकी मॉड्यूल की जीपीए आती है आप उसको मल्टीप्लाई करते हो अपने क्रेडिट आवर्स से, सीएच से, ठीक है। लेट्स से ये मॉड्यूल था आपके पास जीआईटी का, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जीआईटी के क्रेडिट मॉड्यूल यानी कि 3.7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से, तो जो वैल्यू आएगी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वैल्यू आ गई ए, ठीक है। इसी तरीके से मेरा एक और मॉड्यूल था उसमें मेरी अगर 4 थी, ठीक है, लेकिन उसके क्रेडिट आवर्स सिर्फ 4.5 थे, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 4.5 से, सही है। जो वैल्यू आएगी वो होगी बी, सही है। इसी तरीके से मेरे जितने भी मॉड्यूल हैं, अगर किसी में 4 बन रही है, किसी में 3 बन रही है, उसके क्रेडिट आवर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेट्स से किसी में 7 थे क्रेडिट आवर्स, तो यहाँ पे एक वैल्यू बन रही है। तो जो वैल्यूज बन रही हैं ए बी सी, अब इनको क्या करना है, अब इनका टोटल जीपीए निकालना है कि आपकी टोटल जीपीए बनती कैसे है। तो टोटल जीपीए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए को बी को सी को सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, जितने भी आपके मॉड्यूल हैं, और इसका जो आंसर आएगा, लेट्स से उसका आंसर आ रहा है एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू कोई भी मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से 108 मेरे पास टोटल नंबर बन रहा था, ठीक है, मेरे पास एक नंबर बन रहा है 108। अब ये जो नंबर है ये मेरा है एनुअल का, यानी कि इसमें सिर्फ 3 नहीं है, इसमें ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 6 मॉड्यूल्स है ना, क्योंकि हमारे पास क्या था, एनुअल सिस्टम था। अगर किसी के फर्स्ट ईयर की अगर बात हो रही है तो उसमें 5 होंगे, लेकिन जितने भी हैं टोटल ऐड होने के बाद एनुअल का स्कोर निकला है। तो ये एक्स जो है ये आपके पास एनुअल का है, ठीक है, और एनुअल में मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरा टोटल जो बन रहा था वो था 108। अब वापस पीछे जाएं, एनुअल के क्रेडिट आवर्स मैंने आपको बताए थे होते हैं 36, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 36 क्रेडिट आवर्स जो कि एनुअल के होते हैं। और अगर आपको मैथ्स आती हो तो आपको याद होगा 36 का अगर को 108 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 3। तो ये मेरी जो टोटल जीपीए यहां से बनकर आएगी वो होगी 3.0। अगर आपको यहाँ भी समझ नहीं आया तो मैं अपनी जीपीए की करके बताता हूँ, अपने ट्रांसक्रिप्ट की सेकंड ईयर की, आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। आई एम गोइंग टू टेल यू कि मेरी सेकंड ईयर में जीपीए किस तरीके से कैलकुलेट हुई थी और मैंने किस तरीके से डिडक्ट किया ये मेथड, ठीक है। तो जज नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं अपने मार्क्स बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूल्स की, ठीक है, कौन कौन से मॉड्यूल्स थे, न्यूरो, हेड एंड नेक, एंडो, जीआईटी, रीप्रो एंड रीनल, ठीक है। और अगर क्रेडिट आवर्स देखें तो जैसे मैंने बताया था न्यूरो के 7, हेड एंड नेक के 6.5, एंडो 4.5, तीनों को अगर ऐड करें तो ये बनता है आपके पास टोटल 18, और 9, 4.5, 4.5 ये बनता है 18, और इस पूरे को टोटल करते हैं तो हमारे पास बनते हैं क्रेडिट आवर्स 36 क्रेडिट आवर्स बनते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, आपको एक एक थ्योरी के मार्क्स दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले इत्तेफाकन मेरे तीनों में 79 मार्क्स थे, तो 100 में से 79 मार्क्स का मतलब परसेंटेज अगर हम निकालें तो 79% बनेगा, ठीक है। वाइवा के मार्क्स अगर देखें ये 79% यहाँ पे 63, 69 और 66% बनेगा। इन सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 यानी कि 2/3 से। मैं करके नहीं दिखा रहा, ये आपका काम है, अगर आप करना चाहें कर लें। 2/3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं ए, ठीक है ए। फिर आप बात करते हैं वाइवा की, वाइवा में जितने भी आपके मार्क्स हैं, लाइक
122 out of 150 हैं, तो इसकी मैं परसेंटेज निकालूंगा। पहले परसेंटेज निकल गई मेरी, फॉर एग्जाम्पल 81.3%। इस परसेंटेज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से, ठीक है। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सही है। जितने भी परसेंटेजेस मैं निकाल लूँ, किसी में 100 में से मिलेंगे, किसी में 200 में से बनेंगे, लेकिन आपने निकालनी है परसेंटेज। उस परसेंटेज को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा और जो वो वैल्यू बनेगी उसको मैं कह देता हूँ बी। यानी कि ए से एक वैल्यू आई, बी से एक वैल्यू आई, उन दोनों को मैंने कर दिया ऐड। जब मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे जो ग्रेड बनेगा वो, यहाँ जो मार्क्स बनेंगे वो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। और उस मार्क्स को, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी परसेंटेज बन सकती है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा हमारे पास इससे, किससे, क्रेडिट आवर्स से, ठीक है। लेट्स से मेरे पास बन रहे हैं यहाँ पे न्यूरो में जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं वो 80 अबव बन रहे हैं, ठीक है। वो मेरे मार्क्स जो बन रहे थे वो 80 से ज़्यादा बन रहे थे, तो मेरा ग्रेड कौन सा होगा, ए प्लस होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ग्रेड मेरा बन गया ए प्लस। मैं ब्लू से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। ए प्लस मेरा ग्रेड बनेगा, ठीक है। वो ए प्लस जो मेरा ग्रेड बना है, इसका मतलब मेरे पास जीपीए कितनी है, जीपीए मेरी है 4। उस 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से। जो भी आपकी जीपीए यहाँ बनेगी, 4 बन रही है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 7 से, क्योंकि उसकी क्रेडिट आवर 7 है। तो अगर आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कितना आता है, 28 आता है। सेम गोज फॉर हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास यहाँ पे भी ए प्लस बनता है। अगर आप चाहें तो आप कैलकुलेट कर भी लीजिएगा, ए और बी को प्लस करना है, ठीक है। ए और बी को प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे देखना है, सही है। उस वैल्यू को यहाँ पे आपने देखना है, जहाँ पर भी बैटरी है वो आपने लिखना है। तो जो वैल्यू बन रही थी, इसमें बन रही थी, उसमें भी ए प्लस वाली बन रही थी वैल्यू। और इसमें कितना, इसमें है 6.5, तो 6.5 को मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6.5 से, तो यहाँ आंसर बनेगा मेरा 26। यहाँ 28, यहाँ 26, अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी बात एंडो की। एंडो में भी मेरा ए प्लस बन रहा था, यानी कि फिर से मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4.5 से, क्योंकि क्रेडिट आवर्स यहाँ पे 4.5 है। 4.5 से मल्टीप्लाई अगर करें 4 को, तो ये बन जाता है आपके पास 18, ठीक है। 4.5, 4.5, 9 और 9 और 9, 18, इस तरीके से कैलकुलेट किया। जीआईटी की बात करें तो जीआईटी में मेरी जो वैल्यू बन रही थी वो बन रही थी यहाँ पर कहीं 63-66 के बीच में, तो मेरा ग्रेड बन गया यहाँ पर बी। बी का मतलब मेरी जीपीए 3। 3 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि इसके क्रेडिट आवर्स 9 है, तो 9 × 3 = 3 × 9 मेरे बन गए 27, ठीक है। फॉर रिप्रो, रिप्रो मेरा ए बना था, ए यहाँ पे ए, और ए में कितनी है 4, तो रिप्रो में मेरा बन गया ए, ए में भी है 4, और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 4.5 से, तो 4 × 4.5। एक चीज़ देखें, ए और ए प्लस में दोनों में 4 है, हाँ ये याद रखना, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी मेरे बन गए 18। एंड लास्ट रीनल, रीनल में भी मेरा यहाँ पे बी के करीब बन रहा था, 63-66 के बीच में, और इसका मतलब ये 3 है। तो अगर मैं 4.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ के बी बन गया मेरा, तो 4.5 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, जो कि मेरी जीपीए है 3, और उसको 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा अराउंड 9 + 4.5 = 13.5। अब टोटल निकालनी है, तो टोटल के लिए क्या करूँगा, ये जितने भी नंबर्स मैंने निकाले हैं इन सबको मुझे ऐड करने पड़ेंगे। ये सबको जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बनती है 130.5। ये मेरी बनी है टोटल वैल्यू, और इस वैल्यू से मुझे निकालनी है टोटल जीपीए, तो इसको मुझे डिवाइड करना होगा 36 से। क्यों? क्योंकि 36 आपके पास एनुअल की वैल्यू है, तो 130.6 को जब मैं 36 से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू बनती है 3.63, जो कि मेरी जीपीए बनी थी। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैलकुलेट जीपीए एंड क्रेडिट आवर्स का चक्कर किस तरीके से होता है आपको, आई होप समझ आ गया हो। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। प्लीज सब्सक्राइब, आई नीड सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच।